तनुजा, सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे, आपकी जो लेटेस्ट फिल्म है सुर, नाम से ही एक म्यूजिकल फिल्म लगती है, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस तरह की फिल्म बनाएं? सुर नाम हमने इसीलिए रखा क्योंकि ऑन द ऑब्वियस लेवल म्यूजिक टीचर की कहानी है. लकी अली प्लेज अ म्यूजिक टीचर और अपने ही इज इन अ वे ही इज अ म्यूजिकल स्टार एज वेल. लेकिन असली मतलब उसका एक्चुअली इमोशनल सुर से है कि एक 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 शिक्षक जो अपनी ही स्टूडेंट से कम्पीट करना शुरू कर देता है. अच्छा. और अपनी ही स्टूडेंट से एक राइवल बन जाता है जब तक एक्चुअली हालांकि उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो उसको इनकरेज करे, उसको सिखाए, उसको बड़ा स्टार बनाए जो कि उसकी इच्छा थी. लेकिन बीच में वो इसमें उलझ जाता है क्योंकि वो शी इज़ मोर टैलेंटेड देन हिम, शी इज़ मोर ब्रिलियंट देन हिम. तो वो उस अपनी एक अंदर की दुनिया में उलझ जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू यू नो अपोज हर इन एवरीथिंग. तो एंड देन द स्टोरी इज अबाउट हिज जर्नी ऑफ हाउ ही एक्चुअली रियलाइजेज कि वो अपने गोल से कितना दूर चला गया और फिर वो उस लड़की को कैसे फिर से एक सक्सेस स्टोरी बनाता है. तो असली सुर इज द सुर ऑफ हिज ओन हार्ट एंड स्ट्रगल विद इटसेल्फ. अच्छा, तो इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मुझे एक्चुअली याद नहीं कैसे आइडिया आया, लेकिन बेसिकली फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत कहा गया है, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में अक्सर जो होता है कि आपका जो सीनियर है या आपका जो टीचर है वो एक तरह से आपके साथ कंपीट करना शुरू कर देता है, आपसे मुकाबला करना शुरू कर देता है. कभी कभी उसको पसंद नहीं आता कि आपको कैसे कोई बहुत बढ़िया आइडिया सूझा जो कि उसको नहीं सूझा, यू नो. सो दैट हैपन्स इन रियल लाइफ एंड आई थॉट कि इट्स more relevant to actually make a movie which is more realistic. क्या आपका personal तजुर्बा भी कुछ ऐसा रहा है? I wouldn't say कि in terms of the full plot, लेकिन of course we have all experienced moments in our lives, you know, जब आपका expectation कुछ और होता है अपने senior से and they start to actually become more intimidating than what you think they are. So yes, there is a whole lifetime's experience I've put into this, but I wouldn't say कि plot is autobiographical. सिमोन, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको आप जो किरदार निभा रही हैं सुर, वो निभाने का मौका कैसे मिला? मुझे तनुजा ने फ़ोन किया था और कहा कि हम ये फिल्म बना रहे हैं एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर फॉर विच वी नीड अ परफॉर्मर विच इज़ ऑलवेज नाइस टू हियर एंड आई केम एंड यू नो ऑफकोर्स लव्ड हर इमीडिएटली एंड लव्ड द स्टोरी एंड हियर वी आर नाउ. सिमोन, एक और चीज़ बताइए कि आपका जो सीरियल जिसमें आप काम कर रही थी हिना बहुत ही पॉपुलर रहा, आपका किरदार बहुत मशहूर हुआ, तो क्या किसी लेवल पर आपको ये लगता है कि उससे एक खास छवि, एक खास इमेज बन गई है आपकी और उससे बाहर निकलने में आपको कुछ दिक्कत है? कोई टाइप कास्ट टाइप ऐसा कहीं आपको लग रहा है? क्वाइट पॉसिबली इन द माइंड्स ऑफ अदर पीपल, बट मैंने उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए बहुत सारे रोल्स के लिए और उनमें से कई हीना के जैसे थे, लेकिन मैंने आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ दोज रोल्स. सो इन माई माइंड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे और भी रोल्स मिलते रहे हैं और होपफुली आगे भी मिलेंगे. और गौरी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप इस फिल्म में कौन सा किरदार निभा रही हैं? जो गुरु शिष्य की कहानी है उसमें शिष्य का किरदार निभा रही हूँ मैं. तो उसका नाम है टीना मरी. अच्छा जी. तो किरदार निभाते वक्त इट वाज रियली नाइस बिकॉज टीना द कैरेक्टर शी टुक मी थ्रू अ वेरीड इमोशंस, लेवल ऑफ इमोशंस. उसमें एक सेंसिटिविटी थी, उसमें एक वो निभाने में बड़ा मज़ा आया. तो आपको ये रोल कैसे मिला? मैं टेलीविज़न करती थी, जस्ट टेलीविज़न करना शुरू ही किया था, तो एक सीरियल की थी हमारे तुम्हारे जिसमें मेरे डायरेक्टर ने और पूजा भट्ट ने मेरा काम देखा था, तो वो देखकर उन्होंने मुझे बुलाया मिलने और रोल मिल गया. तनुजा जी, एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि एस्टैब्लिश स्टार्स के साथ इस बार काम नहीं कर रही, कोई खास वजह? खास वजह एक्चुअली हर पिक्चर में मैं एटलीस्ट जैसे कि या तो आशुतोष राणा था या पिछली पिक्चर में भी जिमी शेरगिल एट दैट टाइम वाज रिलेटिवली न्यू. मैं मुझे पसंद है नए चेहरों के साथ काम करना, नए लोगों के साथ काम करना, एक फ्रेशनेस आती है पिक्चर में. इन दिस पिक्चर लड़की 100% हमको नहीं चाहिए थी क्योंकि एक जाने पहचाने चेहरे को अगर आप स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी वी नो द स्टार इज़ ऑलरेडी अ स्टार. सो आई नीडेड अ न्यू गर्ल. एक एज डिफरेंस चाहिए थी क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में. लकी
It was just an instinctive casting. मेरी assistant कंचन ने suggest किया कि लकी अली को लेना चाहिए and पहले हमने सोचा लकी अली क्योंकि अजीब सा लगता है he's not a Hindi film hero and then we said yes of course it has to be lकी अली because actually we all love लकी अली और उनके music videos में you know we always just think कि he's hot he's good looking he's amazing so we were very keen on him and मुलाकात के बाद of course पहले he was very nervous and he said कि मैं ये role नहीं कर पाऊँगा बहुत मुश्किल है इसमें इतना सारा करना है पहले he's like this then he's like this then he's like this I can't do it and we had to convince him a little फिर लेकिन पहले shooting के पहले दिन से ही जिस तरह lucky ने एकदम internalize कर लिया character को और बहुत ही outstanding performance lucky will be very happy to hear this अच्छा सिमोन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप TV serials में काम कर चुकी हैं और आप बड़े पर्दे पर आ रही हैं तो क्या फर्क महसूस करती हैं कोई फर्क महसूस करती हैं क्या? See I get asked this a lot. फर्क तो काम में नहीं है because काम is the same. Acting यहाँ भी करना पड़ता है उधर भी. But there are differences in you feel the weight of responsibility of appearance. You know big screen में makeup और hair और costumes वगैरह में बहुत ध्यान देना पड़ता है. TV में doesn't matter. But otherwise the job is the same and your dedication or commitment to it is the same in both. गौरी आपका भी कुछ ऐसा ही रहा है कि टेलीविजन टू फिल्म्स तो आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं मैंने ये महसूस किया है कि टेलीविजन में इतना वक्त नहीं होता कि वो कैरेक्टर को है पूरी तरह से जस्टिफाई कर सके क्योंकि हम 13-14 सीन्स दिन में करते हैं तो खैर वो निभा नहीं पाते जितना करना चाहते हैं लेकिन फिल्म्स में बड़े प्यार से आराम से कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई कर सकते हैं हम That is my personal experience. So it becomes more satisfying. तो कोई acting के क्षेत्र में आपने कोई training ली है? जी नहीं. Inborn है. Natural talent. पता नहीं मजा आता है करने में. अच्छा तनुजा एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी शुरू की जो दो फिल्में थीं वो urban woman के जो fears हैं एक modern society में उससे deal करती थीं. सुर एक बहुत ही अलग हट के एक अलग किस्म की फिल्म है. तो क्या वजह रही कि आप इस तरह के subjects अब choose कर रही हैं क्या? मेरी कोशिश हमेशा एक ही रहती है कि अनयूजुअल स्टोरी हो सुनी हुई कहानी नहीं हो उस क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप क्योंकि लोग बोलते हैं इट्स अ रिस्की आइडिया इट्स टू बोल्ड बट आई थिंक द रिस्क इज एक्चुअली इन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इफ यू कंटिन्यू टू रिपीट योर सेल्फ असली रिस्क तो वो है एक्चुअली सो फॉर मी इट्स ऑलवेज कि आई नीड अ पावरफुल स्टोरी जिसमें मैं अपने आप को totally involved कर सकूँ, you know, and then for me that's the most important thing, you know, that story. ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो हमारी audience है, क्या वो receptive है इस तरह के subjects के लिए? आपको लगता है they are open? In fact, audience तो मांग रही है आपकी उनको नई कहानियाँ सुनाएं, नई किस्म की picturesें दिखाएं. I think the audience is completely ready. हम ही एक तरह से एक conventional, traditional picturesें बनाते रहते हैं और flop भी होती रहती हैं. आपको कोई आपको कभी कोई आपको कभी कोई दिक्कत महसूस हुई आप एज अ वुमेन डायरेक्टर इस फील्ड में एंटर करने में कोई दिक्कतें सामने आई नहीं ऐसी सॉरी कट सॉरी ओके व्हाट कंफ्यूजन ओके गुड ओके विल टॉक अबाउट मार्केटिंग प्रमोशन नो ओके या दैट्स गोइंग इनटू ओल्ड डिफरेंट Old discussion. Being a woman director, very old discussion. Ready. Tanuja, आप क्या कहेंगे कि एक वुमेन डायरेक्टर और एक मेल डायरेक्टर में क्या फर्क है? उनके वर्किंग नजर, उसके सिनेमा में क्या फर्क होता है? नजरिया तो अलग होगा ही. मैं ये नहीं कहूँगी कि एक का दूसरे से बेहतर होगा, लेकिन अलग जरूर होगा. Sensitivity. नहीं मैं एक्चुअली ये नहीं मानती कि वुमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन वुमेन इज़ एज इनसेंसिटिव एंड एज रूथलेस एज ब्रूटल एज हॉरिबल एज अ मैन लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मतलब इंडिविजुअल्स एक्चुअली तो मैं जब डायरेक्ट करती हूँ मैं ये नहीं सोचती कि मैं एक महिला निर्देशिका हूँ और मुझे एक महिला निर्देशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से हर शॉट डायरेक्ट करना चाहिए आई एम फॉलोइंग द स्टोरी मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए एक इमोशनल डेप्थ चाहिए और दैट्स हाउ आई वर्क सो आई डोंट मैं अपनी एक फेमिनिज्म को बिखेरते हुए नहीं चलती हूँ क्योंकि देयर इज नो नीड फॉर दैट यू नो एंड ऐसा कोई बड़ा संघर्ष का भी सामना नहीं करना पड़ा है आई मीन द फैक्ट इज कि यू हैव टू वर्क मैन हैव टू गो थ्रू एज मच डिफिकल्टी इन द फिल्म इंडस्ट्री एज वुमेन हैव टू सो आई डोंट मेक अ
विक्टिम थियरी आउट ऑफ इट एक्चुअली. सिमोन बताइए कि एक अभिनेत्री होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है कि वर्किंग अंडर अ मेल डायरेक्टर या फीमेल डायरेक्टर कोई कभी फ़र्क महसूस किया है आपने? I also agree with Tanuja because I really feel it's more, you know, dependent on the individual. It's not a gender-specific thing, you know, because she is who she is why it's so wonderful to work with her. You know, had she been a man, I'm hoping she would have been not too different either. Yeah, एक औरत हो सकती who you might find to be not such a good director. You know, so the emotional depth and her intuitiveness, all of that is there, which they say is, you know, a womanly thing. But I think that is her as a person. It's not only because she's a woman. तो इनके साथ काम करने में कैसा महसूस हुआ? She tough? Oh yeah, she's very tough, but she's wonderful. She's very nurturing. बहुत ख्याल रखती है अपने actors का. And you know, actually the first impression that you get of Tanuja Chandra is that she's this dragon lady. You know, interviews पढ़े थे और सुना था. But she is so childlike and loving, and again in the same way very mothering and loving also. It's she's not like that at all. मुझे इस बात का एहसास है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स इजी फॉर मी टू टेल देम कि आई वांट दिस मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, बट टू एक्चुअली डू इट बहुत मुश्किल काम है. तो मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन ऑफकोर्स गौरी पे मैं बहुत चिल्लाया भी है क्योंकि अगर कोई अपने ही पोटेंशियल पे गिव अप कर दे, यू नो, अगर वो अगर अपने मन में ठान ले कि नहीं मुझसे नहीं होगा, उस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है. तो यू नो, फर्स्ट आई वुड स्टार्ट नाइसली विद गौरी, फिर मुझे कर नहीं रही है ना. गौरी, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ऊंचाई से डर लगता था, तो क्या वो डर अभी भी लगता है? अभी तक खैर डर तो नहीं गया, लेकिन डर से डरती नहीं अब. चलिए, बहुत. तो मुझे एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है सुर का हाई पॉइंट क्या है? आई वुड से कहानी. कहानी जो कि आई होप कि दिल को छूने वाली कहानी है, अनयूजुअल कहानी है. और म्यूज़िक आई वुड से इज़ आल्सो अ वेरी बिग हाईलाइट. म्यूज़िक जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट हो गया है, तो हमारे लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इट्स वेरी अनयूजुअल म्यूज़िक. अगेन मेलेडी बहुत ही महसूस की हुई मेलेडीज. हाँ हाँ. एंड द सॉन्ग्स रियली बिलोंग इन द फिल्म वेरी डीपली, इन अ डीप वे. And I would say Lucky Ali's performance is outstanding. आपका कोई contribution था इस music के बारे में? Any? अरे of course, I mean a director has to मतलब constantly मतलब music director के पीछे पढ़ के कि it's good but it's not great. I want great, you know, that's the thing that I do with everybody. एक और बात तनुजा, कि आपने MM करीम के साथ काम किया है इस फिल्म में, तो रेगुलर जो और म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको नहीं चुना, तो क्या हर चीज डिफरेंट चाहती थी इस फिल्म में? नहीं, मुझे एमएम करीम की काबिलियत पे हमेशा पूरी तरह से भरोसा था. ही इज अ म्यूजिकल जीनियस. उनको मैं एक्चुअली एक सिचुएशन समझाती हूँ या एक इमोशन समझाती हूँ, और वो इमीडिएटली उसे एक मेलेडी में ट्रांसलेट कर देते हैं. तो ही इट जस्ट कम्स आउट ऑफ हिम. ही इज़ एन अननोन. ये ऑफकोर्स बिजनेस में ये हमेशा होता है कि अगर आप जाने पहचाने हैं तो आप तो पीपल वॉन्ट यू मोर, लाइक देर आर म्यूजिकल स्टार्स, लाइक देर आर एक्टिंग स्टार्स. तो यू नो, दे से एम एम करीम हु, वी डोंट नो. अब एंड आई हैड टू कन्विंस अ फ्यू पीपल कि नहीं, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करेंगे. एंड अब आई हैव बीन प्रूवन राइट, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. इट वॉजंट फॉर द सेक ऑफ बींग डिफरेंट. मुझे पता था कि ये जो धुने जो उन्होंने कंपोज किए वो सिर्फ वही कर सकते थे. तनुजा, क्या ऐसा भी लगता है कि जो लोग ब्रांड नेम्स बन गए हैं आज इंडस्ट्री में, उनके साथ किसी फिल्म को सेल करना या दूसरों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा आसान है? बहुत आसान है. उसमें आपको मतलब अगर आप कुछ नाम सिर्फ बता दें तो वो पिक्चर कंसेप्शन के टाइम ही शायद बिक जाए. हमारी पिक्चर में थोड़ा सा हमको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी. पिक्चर देखो एंड आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्योंकि अगर आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो क्यों ना वो पिक्चर देखे. मगर इंडस्ट्री में तो आपका खुद एक ब्रांड नेम बन चुका है. तनुजा चंद्रा इज अ नेम टू रेकन. या बट वेल, नॉट एज बिग अ नेम एज आई वुड लाइक टू बी, लेट मी से दैट. आई वांट टू बी मच बिगर. बट आई थिंक दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि द मार्केट इज इन अ बैड स्टेट. द फिल्म इंडस्ट्री इज इन अ बैड स्टेट. तो उन्हें अपना लॉसेस मिनिमाइज करने में इंटरेस्ट है. प्लस दे वांट टू बाय थिंग्स दैट दे कैन सेफगार्ड देयर मनी. लेकिन अक्सर क्या होता है कि दे थिंक कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये स्टार है, इसमें ऐसे आइटम गाना है, इसमें ये एक्शन है, इट्स अ हिट ऑलरेडी, यू नो, एट द कंसेप्शन लेवल, व्हिच टर्न्स आउट नॉट टू बी ट्रू. मोस्ट ऑफन द हिट्स आर द वंस
that are different, that are sincerely made, जिसमें एक integrity होती, honesty होती है, and so, but the हमने picture दिखाई, लोगों distributors को अच्छी लगी, और फिर खरीदी, which is fine. आप भी कपड़ा या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में सोच सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। तनुजा क्या कहेंगी कि ये सुर जो है ये कैसे बजट की फिल्म है? Is it a low budget? It's a small budget picture. Small budget picture है, but made it's I would say with the it's got a big heart, it's got a big idea. So I would say yes, please watch it. तो आपको लगता है audience इसको with a big heart इसे accept कर पाएगी, करेगी? ऑडियंस बेशक एक्सेप्ट करेगी, उनको ऑडियंस को सिर्फ थिएटर के अंदर लाना है। आई एम श्योर दे विल लाइक इट। खास मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रमोशन जो आप खींचने के लिए बस यही कि यही जो हम अभी कर रहे हैं, और आई वुड से अगेन आयरॉनिकली द सेलिंग पॉइंट इज द फ्रेशनेस, द न्यू फेसेस, गौरी, सिमोन, लकी, यही अगर एस्टेब्लिश स्टार्स होते तो थोड़ा सा एक लेथार्जिक फीलिंग ऑडियंस को महसूस होता है, बट द न्यू फेसेस समहाउ नए चेहरों में उनको कुछ अच्छा लगता है, यू नो, सो देयर इज एन इंटरेस्ट आई फील, बट वो इंटरेस्ट कि उनको मतलब उनके हाथ जेब के अंदर जाए, वो टिकट खरीदें, वो हमें फ्राइडे पता चलेगा। सिमोन, गौरी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सुर की सफलता आप लोगों के लिए क्या मायने रखती है? बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि खैर मेरी तो पहली फिल्म है, लोगों ने ना मेरा काम देखा है ना मेरे बारे में कुछ जाना है, तो जो भी मेरे बारे में बात करेगी वो सुर ही करेगी, तो सुर बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो किस तरह के किरदार में आप किस तरह का इम्प्रेशन देना चाहती हैं लोगों को, टू टेक यू एज अ सीरियस एक्ट्रेस या कोई और किरदार में आप उनका अपना ग्लैमर रोल में आप दिखाना नहीं, लोगों को बस यही विश्वास हो कि ये लड़की कोई भी किरदार निभा सकती है, वर्सेटाइल है, हाँ कोई भी, मतलब सुर की एक टीना हो गई या फिर कोई ट्राइबल वुमन हो गई या ग्लैमर डॉल हो गई, जो भी हो गई। सिमोन, आपको क्या लगता है? आई रियली होप द फिल्म डज वेल, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज फॉर तनुजा, लकी एंड गौरी, मेरे लिए, यू नो, बिकॉज ऑफ द वे आई फील अबाउट इट एंड बिकॉज ऑफ माई डीप अफेक्शन फॉर दीज पीपल, आई रियली 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 होप इट डज वेल। आफ्टर इट डज वेल, ऑफ कोर्स, आई मीन देयर विल बी बेनिफिट्स फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन इट, यू नो, इंक्लूडिंग मोर फिल्म्स इन योर किटी। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ कि दर्शक बहुत पसंद करें आपकी इस फिल्म को और आप हमारे स्टूडियो